दोस्तों, भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें प्लास्टिक बकेट ना हो। पुराने टाइम में यूज की जाने वाली एल्यूमिनियम या स्टील से बनी बकेट्स की जगह आज प्लास्टिक की बनी बकेट्स ने ले ली है। वजन में हल्की, मजबूत, संभालने के लिए आसान और अलग अलग कलर्स और साइजेस में उपलब्धि तथा सस्ती होने के कारण प्लास्टिक बकेट्स की खपत मार्केट में ज्यादा दिखाई देती है। ग्रामीण और शहरी घरों में, होटेल्स और अस्पतालों में इन बकेट्स का रोजाना उपयोग किया जाता है। तो आज मीडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्लास्टिक बकेट्स कैसी बनाई जाती है और इसका व्यवसाय कैसे करें, इसी की जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। रॉ मटेरियल। प्लास्टिक बकेट्स बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रैनुल्स का उपयोग किया जाता है, जो HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बने होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। इस व्यवसाय के लिए ऑटोमेटिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता होती है। प्रोसेस। प्लास्टिक बकेट्स बनाने की प्रक्रिया सिंपल है। सबसे पहले आवश्यक रंग के प्लास्टिक ग्रैनुल्स को मशीन की हॉपर में डाला जाता है। मशीन में इस ग्रैनुल को गर्म करके पिघलाया जाता है। मशीन की दूसरी बाजू में आवश्यक बकेट के आकार के डाइस सेट किए होते हैं। एक्सट्रूडर के जरिए इन डाइस पर पिघला प्लास्टिक डाला जाता है और बकेट तैयार हो जाती है। फिर इन बकेट्स की फिनिशिंग करके इनके हैंडल लगाए जाते हैं। तैयार होने के बाद इन बकेट्स को सुपर मार्केट, होलसेलर या लोकल मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार आज हमने प्लास्टिक बकेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जानकारी ली। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप बिना किसी संकोच के मीडी को संपर्क करें। इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट को भेजते या नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।